लेंगे वाक्य के भेद। वैसे वाक्य क्या होता है आपको पता है, हमें पता है कि शब्दों से वाक्य बनता है। तो शब्दों से वाक्य जब बनता है तब शब्द क्रमबद्ध होते हैं वाक्य में और शब्द सार्थक भी होते हैं। यानी वाक्य मतलब क्या कि शब्दों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूहों को वाक्य हम कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, यह वाक्य हुआ, भारत मेरा देश है, आज शायद वर्षा हो, ऐसे कई प्रकार के वाक्य हम बोलते हैं। तो वाक्य के कई सारे भेद हैं। तो वाक्य के भेद कौन कौन से हैं आज हम यही पढ़ेंगे। वाक्य के मुख्यतः दो भेद हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो आज इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वह पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर आठ भेद है। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य इसे ही विधानवाचक वाक्य ऐसा भी कहते हैं। अब विधानार्थक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है ना, इस वाक्य में क्रिया के होने का बोध है क्योंकि पृथ्वी को हम घुमा नहीं सकते, वह अपने आप ही घूमती है। तो यह क्रिया के होने का बोध इस वाक्य में होता है। दूसरा वाक्य है हम ताजमहल देखने गए थे। अब दूसरे वाक्य में क्रिया के करने का बोध है, हम ताजमहल देखने गए थे, है ना, जाएंगे तभी तो देखेंगे ताजमहल। तो पहले वाक्य में क्रिया के होने का बोध है और दूसरे वाक्य में क्रिया के करने का बोध है। तो इस तरह से जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। अब निषेध मतलब पता है आपको कि नहीं, है ना। तो जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वह नहीं पढ़ेगा, तो निषेधार्थक वाक्यों में नहीं, ना, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे आज वह नहीं पढ़ेगा मतलब इस वाक्य से हमें बोध होता है ना कि क्रिया आज होगी नहीं। दूसरा वाक्य है कि अध्यापक जी आज विद्यालय नहीं आए। देखो इस वाक्य में भी हमें बोध हो रहा है कि अध्यापक जी आज विद्यालय में नहीं आएंगे, यानी आने की क्रिया नहीं होगी। तो जिस वाक्य से यह सूचित होता है कि किसी कौन सी क्रिया आज नहीं होगी या आज क्रिया नहीं करेंगे, यह जिस वाक्य में हमें सूचित होता है उस वाक्य को निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कई प्रकार के प्रश्न पूछते हो ना, तुम्हारा नाम क्या है, क्या आज तुमने खाना खाया, आप चाय पियोगे, इस प्रकार से कई प्रश्न हम पूछते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछे गए हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य, या उसे ही हम कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होती है, आज्ञा होती है या निर्देश होता है या प्रार्थना का बोध हमें होता है। तो जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश या प्रार्थना का बोध होता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, तो आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो चले जाओ, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि इस वाक्य में निर्देश दिया जा रहा है, मतलब सूचना दी जा रही है। दूसरा वाक्य देखिए कि कृपया मेरी सहायता करें, तो इस वाक्य में प्रार्थना की गई है सहायता करने की, तो यह भी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य देखो बच्चों यह पाठ याद करो, इस वाक्य में हमें पता चलता है कि अध्यापक जी बच्चों को आज्ञा दे रहे हैं पाठ याद करने की। तो इस तरह से
जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का पांचवा भेद है इच्छार्थक वाक्य, या उसे ही कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। जैसे देखो, आपकी यात्रा शुभ हो, हम कहते हैं ना हैप्पी जर्नी वगैरह कहते हैं, तो आपकी यात्रा शुभ हो, इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? इच्छा, इच्छा हम प्रकट करते हैं ना, तो यह हो गया इच्छावाचक वाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखो, आज तो कोई मुझे खाना खिला दे। जैसे कोई भूखा व्यक्ति होता है तो उसे आशा होती है कि कोई आज मुझे खाना खिला दे, तो इस वाक्य से उसकी आशा जाहिर होती है, तो यह भी इच्छावाचक वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देखो कि ईश्वर आपको सुखी रखे, तो इस वाक्य से हमें पता चलता है कि आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, सुखी रखे यह आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यह भी वाक्य कौन सा वाक्य है? इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य है। अब छठवा प्रकार है संदेहार्थक वाक्य या संदेह वाचक वाक्य। इस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है। संदेह आप जानते हो ना, शंका, शंका या संभावना, यानी शायद हो सकता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, वर्षा होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन संभावना है या वर्षा होगी कि नहीं, यह संदेह भी है ना, तो यह संदेहार्थक वाक्य हो गया। तो जिस वाक्य में शायद वगैरह आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वह संदेहार्थक वाक्य होते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए कि अब तक वह घर पहुंच चुका होगा, चुका होगा है ना, यानी इस वाक्य में संभावना बताई गई है कि संभवतः वह घर पहुंच गया होगा। तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। तो संदेहार्थक वाक्य पहचानने की गुण क्या है कि वाक्य में शायद, संभवतः ऐसे शब्द आते हैं। सातवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। अब देखो संकेत या अपेक्षा का बोध कैसे? तो जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और हमें पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे देखो कि तुम आओगे, ये एक क्रिया हो गई तो मुझे खुशी होगी है ना, खुशी होने की दूसरी क्रिया होगी, तो यह खुशी होने की क्रिया आओगे इस क्रिया पर, आने की क्रिया पर निर्भर है। तो एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर अवलंबित होती है तो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए कि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। तो वर्षा होने की क्रिया है एक क्रिया, और दूसरी क्रिया क्या है कि अच्छी फसल होने की क्रिया है। तो यह एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अवलंबित होती है, यानी संकेत या अपेक्षा का बोध जिस वाक्य में होता है उसे क्या कहते हैं? संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का आठवां भेद देखिए, भेद मतलब प्रकार देखिए कि विस्मयार्थक वाक्य, इसे ही हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा है ना आदि मनोभावों का बोध होता है उस वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना ऊंचा पेड़, यानी अरे, अरे इस शब्द से हमारा कौन सा मनोभाव सूचित हो रहा है कि हमें विस्मय लग रहा है, विस्मय मतलब आश्चर्य लग रहा है, तो आश्चर्य सूचित हो रहा है यहाँ पर। और विस्मयार्थक जो वाक्य होते हैं
तो उस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी होता है। हाय मैं लुट गया, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि यह शोक बोधक है, यानी दुख हो रहा है। हाय मैं लुट गया। छी कितनी बदबू है, तो छी हम कहते हैं तब हमारे मन का भाव हम क्या दर्शाते हैं कि हमें बहुत ही घृणा आ रही है, घृणा मतलब तिरस्कार आ रहा है। तो ऐसे मनोभाव को दर्शाने वाले वाक्य जो होते हैं वह विस्मयार्थक वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य के आठ भेद आपको ध्यान रखना। अब परीक्षा में इस पाठ का प्रश्न कैसे आता है कि वाक्य परिवर्तन आपको करना होता है। जैसे कि देखो विधानार्थक वाक्य दिया जाएगा तो आपको निषेधार्थक वाक्य कहने के लिए कहा जाएगा, है ना, या उसका ही विस्मयार्थक वाक्य कहने के लिए कहा जाएगा। जैसे देखो कि एक कौन सा भी वाक्य ले लेते हैं हम कि यह पीपल का पेड़ है। अब यह पीपल का पेड़ है तो यह वाक्य कौन सा हो गया, विधानार्थक वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें किसी क्रिया के होने की या करने का बोध होता है। यह पीपल का पेड़ है। मान लो कि कंस में आपको सूचना दी जाती है कि इस वाक्य का निषेधार्थक वाक्य आपको करना है, तो आप कैसा करोगे कि यह पीपल का पेड़ नहीं है, है ना, नहीं यह शब्द डालना है आपको। अब उसी वाक्य का आपको विस्मयार्थक वाक्य करने के लिए कहा जाएगा, तो आप कैसा करोगे, वाह यह पीपल का पेड़ है, है ना, यानी वाह से आप अपने मनोभाव को सूचित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको कंस में कंस वाक्य किया जाना है, यह दिया जाता है और उसका आपको वाक्य रूपांतर करना होता है।